Hi Tosief. Hi, hi Adit. Welcome to Sudhi Podcast channel. Thank you so much. आपके बारे में मैंने कई दोस्तों से सुना था, पर आज आप मिल रहे हैं और वैसे बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज मिल रहे हम लोग। जी जी। एक क्विक रन थ्रू आपकी करियर में, जो अभी तक आपने देवास से शुरू की है और आप बॉम्बे में हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप ब्रीफ में बताएं, और उसके बाद हम आपका स्टूडियो एंड लाइव साउंड का जो एक्सपीरियंसेस है वो ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। यस यस, है ना। और जस्ट फॉर द ऑडियंस आई कैन इंट्रोड्यूस यू क्विकली दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट बिजी साउंड इंजीनियर्स फॉर लाइव। एवरीवन इज बिजी। हाँ नहीं बिल्कुल, बट आप विशाल शेखर, सोनू निगम, आशा भोसले, इन सब नामों के साथ काम करते हो। यस, तो बेसिकली वो वीडियो स्किप ना करें इसलिए। जी। सो मैंने मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ, मैं बेसिकली देवास से हूँ, और देवास में मेरे मामा का म्यूज़िक शॉप था, सो कैसेट का शॉप था, सो वहाँ पे कैसेट कंपाइलेशन एंड ऑल वो सब रिकॉर्डिंग, देन न्यू कैसेट्स, वो सब का शॉप था, बिग शॉप। सो वहाँ पे स्कूल के बाद मैं जाके वैसे ही बैठता था कि मस्ती करने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, और सुनते सुनते फिर रिकॉर्डिंग भी होता था वहाँ पे। तो कभी कभी मामा बोलते थे कि अच्छा ये इसको स्टॉप कर देना, ये गाना ख़त्म होने के बाद, तो उसको स्टॉप करने लगे, फिर बोलते थे अच्छा ये गाने के बाद इसको, ये गाने को तुम प्ले कर देना या सेकेंड नंबर प्ले करना, तो वैसे होता था। तो करते करते वो इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं अच्छा ये मज़ा आता है कि ये स्टॉप किया, अभी गाना रुक गया या नेक्स्ट सॉन्ग। सो वहाँ पे LP जो पहले चलता था, जो LP रिकॉर्ड्स, सो कंपाइलेशन वैसे होते थे कि दो गाने लिस्ट होती थी, लाइक 12 सॉन्ग्स के एक गाने, एक कैसेट में 12 गाने होते थे। सो कुछ गाने LP में, कुछ कैसेट में, देन फिर कुछ टाइम के बाद CD आया, सो कुछ गाने CD में होते थे, देन 5-band इक्वलाइजर एंड ऑल वो सब होता। तो EQ करना वहाँ से सीखा, देन जो इनपुट आउटपुट जो पैचिंग होता था, बिकॉज दो गाने LP से रिकॉर्ड करने, सो पैच पे बनाया था हम लोगों ने, अच्छा, मामा जी ने। सो दो गाने उससे रिकॉर्ड करने के बाद देन फिर कैसेट में रिकॉर्ड करना पड़ता, तो पैच पे चेंज करके लाइक कैसेट आउटपुट। तो वो अलाउ करते थे सब करने आपको? वो देख देख के सीखने लगा, देन फिर वो बता दे कि अच्छा ये गाने के बाद ये गाना रिकॉर्ड करना है और इसके लिए यहाँ से चेंज करना। सो वो इतने साल के बाद अब वो चीज़ें काम में आती है कि लाइक इनपुट आउटपुट, देन जब कैसेट होती थी उसको आपको पता होगा लाइक वो हेड जो हम लोग सेट करते थे कि जो उसका स्वीट स्पॉट है, अलाइनमेंट हेड का, सो वो सेट करते थे, देन इक्वलाइजर होते थे एनालॉग 5-band EQ एंड ऑल, सो कहाँ पे वो स्वीट स्पॉट है गाना, कहाँ पे अच्छा लग रहा है, सो वो इक्वलाइजर यूज़ करते थे, तो वो सब EQ एंड ऑल वो सब वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो करते करते मेरे दो मामा थे, एक आफाक एंड एक इशराक, तो इशराक मामा जो है वो बॉम्बे से कुछ स्टूडियो का कोर्स करके देन इंदौर में उन्होंने स्टूडियो ओपन किया। फिर कुछ टाइम के बाद मैं इंदौर जाने लगा मामा के पास, कि स्कूल के बाद, स्कूल की छुट्टियां थी, तो मामा ने बोला तू इंदौर आ जा, तो वहाँ जाके सिर्फ बैठता था कि लाइक म्यूज़िक सुनना, और वो अच्छा लगता था। फिर मामा ने भी कभी बिठाया कि लाइक रोलैंड का रिकॉर्डर था तभी, 1680 हार्ड ड्राइव रिकॉर्डर, या सो उस पर पंच इन पंच आउट के लिए वो बिठाते थे कि अभी कोरस चल रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कंपोजर होता था और वो बोलता था कि यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। सो सॉन्ग प्ले किया, देन पंच इन पंच आउट रिकॉर्ड वो होता था। सो वो करते करते थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा कि नहीं ये मैंने किया। फिर वो जब रिलीज़ होता था तो मुझे सुन के अच्छा लगता था, ये तो मैंने रिकॉर्ड किया था, अरे ये तो मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर कुछ टाइम के बाद वो सोलो वोकल्स के लिए भी रिकॉर्ड करने के लिए बिठाने लगे, और बट एडिटिंग तो मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि उसका फुल ग्राफ एंड ऑल वो एडिटिंग सब कुछ डिफरेंट था। मिक्सिंग भी मामा करते थे, क्योंकि मिक्सिंग क्या होता वो भी पता नहीं था कि मिक्सिंग किसको बोलते हैं या मास्टरिंग या कुछ। देन वो करते करते थोड़ा म्यूज़िक का नॉलेज स्टार्ट हुआ, क्योंकि म्यूज़िक पहले कुछ सीखा नहीं था या कुछ, और फैमिली में भी ऐसा कोई था नहीं कि, तो सुनते तो होंगे इतना सब कैसेट का बिजनेस, वो सब सुनते थे बट लाइक ज़्यादातर किस टाइप का म्यूज़िक होता था वो? एक्चुअली वहाँ पे रैंडम होता था, लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, लाइक वैसे कंपाइलेशन आता था कि लता जी का कंपाइलेशन या फिर रफ़ी साहब का कंपाइलेशन या फिर रैंडम कुछ भी न्यू सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, मतलब फिल्मी गाने, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स, नॉट अपना रॉक और पॉप, नो नो रॉक पॉप, फुल बॉलीवुड। अच्छा। तो
और जो इंदौर में जो रिकॉर्ड होता था वो लाइक डिवोशनल प्रोजेक्ट्स होते थे, कुछ अच्छा भजन्स या फिर कुछ कवाली के प्रोजेक्ट्स राइट वो सब होते थे, और कुछ मालवी लैंग्वेज के कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे। तो ओके प्रोजेक्ट वैसे होते थे कि लाइक सुबह 11 बजे बुकिंग है, सब पूरा बैंड आ गया है, और सिंगल बूथ होता था, एक म्यूजिशियन का एक बूथ था वहाँ पे, बिकॉज वो बड़ा स्टूडियो था राइट और रिदम सेक्शन बैठा है, सब एक साथ प्ले करते थे, लाइव मिक्स होता था, और वो लोग पैकअप करते थे तब तक के मास्टर उन लोग के हाथ में होता था। बराबर तो वो इतना पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, या वो उधर बजा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, और वो साथ में दे दिया। फिर कुछ टाइम के बाद वो प्रोसेस बढ़ते गए कि लाइक वो रिकॉर्ड करके गए, सब म्यूजिशियन नहीं आए, दो आए उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिर कुछ और म्यूजिशियन आए, फिर सिंगर आए, देन बाद में मिक्सिंग हो रहा है, बिकॉज वो 16 ट्रैक रिकॉर्ड होता था उसके अंदर। तो वहाँ से फिर कि ये मिक्सिंग होता है, पहले तो मिक्सिंग पता नहीं चलता जब लाइव रिकॉर्ड होता था, अभी मिक्सिंग पता चलने लगा कि ये अलग अलग ट्रैक्स रिकॉर्ड हुआ है और फिर वापस मिक्सिंग हो रहा है। सो मिक्सिंग में भी मैं बैठता था कि वोकल को कैसे वो इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सुन सुन के कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, पहले एकदम रॉ लग रहा था, अभी इन्होंने रिवर्ब यूज़ किया। सो वो माइंड में वो सब बैठते गया तब से, कि रिवर्ब हुआ या डिले, वो लैंग्वेज समझ में आने लगी, राइट पहले कुछ पता नहीं था कि रिवर्ब हाँ क्या होता है, डिले क्या होता, तो वो लैंग्वेज पता चलने लगा। फिर वहाँ से नियंडो आया, लाइक 2003 में आई थिंक नियंडो आया था, नियंडो 2 शायद, 1.5 या 2 कुछ नियंडो आया था। वो ज्यादातर पायरेटेड ही हाँ चलता पायरेटेड ही होता था, हाँ था। हाँ करेक्ट, H2O करके एक हाँ H2, राइट राइट। सो मामा बॉम्बे गए एक बार, तो उनको कहीं लगा कि ऐसे नियंडो आया, तो उन्होंने एक मशीन बाई किया, और मशीन विंडोज़ होता था, तो उन्होंने फिर बॉम्बे से इंजीनियर को बुलाया एक, उनका नाम था साजिद, जो फर्स्ट मेरे गुरु हुए मेरे मामा इशराक मामा, देन दूसरे जो गुरु है वो साजिद भाई। सो उनको बुलाया बॉम्बे से, उनके रेफरेंस कांटेक्ट से, वो आए इंदौर में नियंडो सिखाने के लिए कि अच्छा कैसे होता है। लेकिन जब वो सिखाने के लिए आए, वो कुछ 4 दिन के लिए आए थे, वो 4ों दिन मशीन बंद पड़ी रही ओ क्योंकि विंडोज़ का पता है कि क्या होता है, वो जिस दिन काम हाँ होता है उसी दिन वो कुछ वायरस या कुछ होता है। सो नियंडो ओपन नहीं हो रहा था, और वो कुछ कर नहीं पाए कर नहीं पाए हम लोग, और हम लोग वैसे ही फिर खाने के लिए जाते थे वो सब, तो वो टाइम पास हो गया। देन वो उनका जाने का टाइम होगा, वो निकल गए, फिर 5-6 दिन के बाद वापस मशीन कुछ ठीक करवाया मैंने, वो मशीन ठीक हुआ, फिर उनसे सिर्फ बातें होती थी कि लाइक कंप्रेशन ऐसे होता है या ऐसे ही क्यों होता है, वो सिर्फ डिस्कस करते थे हम लोग, बट फिजिकली बैठ के नियंडो पे सीखे ही नहीं तो कि कितने बड़े थे आप तब उस टाइम पे? हाउ ओल्ड वर यू आई अप्रोक्सीमेटली? थिंक 14-15 ईयर, बस 87 का मेरा बर्थ है, और वो बात कर रहे हैं हम लोग कुछ 2002 राइट 15 साल। 2000 2003 तो ये सब इंटरेस्ट बेसिकली जगा रहा उस इंटरेस्ट समय। करेक्ट। और म्यूजिक ऐसा फील्ड है कि उसमें वैसे होता नहीं कि यार एक बोर हो गया वो, और नया नया म्यूजिक आता तो और इंटरेस्ट आते जाता है कि राइट लाइक अरे ये बहुत अच्छा म्यूजिक है, या ये अरेंजमेंट अच्छा है, सो अरेंजमेंट भी अट्रैक्ट करता था वो टाइम पे। फिर जब मशीन स्टार्ट हुआ, तो मशीन पे वैसे स्टडी करने लगा। अच्छा पहले मैं साउंड फोर्ज पे काम करता था, तो साउंड फोर्ज तो लाइक बहुत स्मॉल और 2 ट्रैक वो है, देन कूल एडिट आया, कूल एडिट पे भी किया। फिर जब ये नियंडो आया, तो उसमें जिधर भी क्लिक करते हो उधर इतना बड़ा मेन्यू खुलता है, तो वो कुछ, और लैंग्वेज भी उसका पता नहीं था कि इसका लैंग्वेज क्या है, बिकॉज हार्ड ड्राइव रिकॉर्डर का अलग था, उसके पहले हाइएट था, हाइएट पे भी किया, तो ये सब लैंग्वेज अलग था। तो वो करते करते 2 दिन एक सेपरेट रूम मामा ने दिया था कि तू इसको यहाँ लगा के, जब सेट होगा तब हम लोग इसमें शिफ्ट करेंगे अपने मेन स्टूडियो में। सो 8 इनपुट का साउंड कार्ड था तभी, सो उस पर रैंडम कुछ वेव फाइल इंपोर्ट करके, उस पर रैंडम कुछ भी मिक्स करना है वो सब स्टार्ट किया कि कैसे एफएक्सेस आते हैं, और तब इंटरनेट या वैसा ट्यूटोरियल या वैसा कुछ होता नहीं था कि सॉफ्टवेयर का इतना डिटेल में कुछ पता हो। सो करते करते नियंडो का सब 2 दिन में मैंने सेट कर लिया, मामा को बोला अभी लगा सकते हैं हम लोग, बोलते अरे सब पता हो गया तुझे, मैं हाँ अभी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते। सो हम लोगों ने 3rd डे शिफ्ट किया स्टूडियो में, और सुबह से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। देन वो दिन से नियंडो का रिकॉर्ड करना, और वो पूरा स्टूडियो भी वो डिजिटल लाइक कंप्यूटर पे पूरा शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने एक ही दिन में, और वो स्टार्ट किया। फिर वो डीपली सीखना था, तो मामा को था कि अभी तेरी छुट्टियाँ हैं तो तू बॉम्बे जा और बॉम्बे सीख। तो मैंने अगेन आई कॉल साजिद भाई कि मुझे बॉम्बे आना है या सीखना है, सो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बोला कि हाँ ठीक है तू आ जा, जबकि मैं फर्स्ट टाइम उनसे कुछ 4 दिन के लिए मिला था, और कुछ ऐसा रिलेशन या कुछ ऐसा कुछ था नहीं, और मैं 2
2004 में मैं बॉम्बे आया, उनके घर पे रहा, और उनके घर पे रह के देन उनका स्टूडियो था जुहू पर, सो डेली मीरा रोड से जुहू ट्रेन में आना, और ट्रेन में लाइक 9:30 को घर से निकलना, और वो फुल ट्रैफिक और फुल पैक, और मेरा हाइट भी बहुत कम था, लाइक मैं कुछ 16-17 साल का था तभी, शायद 17-18 साल का. सो फंस जाता था कभी कभी कि यार ये कितना स्ट्रगल है इसमें, और सेम टाइम, और रात को जाने का भी टाइम वही होता था. देवास इंदौर के बाद बॉम्बे तो बॉम्बे मैं सीखने के लिए आया था निवेंडो, देन वहाँ पे प्रो टूल्स था, बट फिर भी प्रो टूल्स पे रिकॉर्ड कर, वहाँ पे मिक्सिंग होती थी, और वहाँ का जो म्यूजिक म्यूजिक प्रोडक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिकॉज इंदौर में सब लाइव ढोलक तबला ऑक्टोपेड और वो सब होता था, और जो यहाँ पे जो मैंने आके देखा, यहाँ का प्रोडक्शन ही फुल डिफरेंट था, बिकॉज यहाँ पे प्रोग्रामिंग और वो सब स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी, सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग, और लाइव बहुत ही कम था तभी, लाइव होता ही नहीं था, लाइक लाइव में सिर्फ गिटार और वॉइस, दैट्स इट, बाकी फुल प्रोग्राम्ड ही होता था, और गिटार भी कुछ कुछ सॉन्ग्स में होता था या कुछ में नहीं होता था, बट कुछ टेक्निक्स पता चली कि कंप्रेशन कैसे होना चाहिए, या फिर ईक्यू क्या राइट क्या रॉन्ग होगा, या क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, गेट यूज़ करना एंड ऑल, तो वो सब वहाँ से थोड़ी टेक्निक्स पता चली, करेक्ट। तो रिकॉर्डिंग अटेंड किए जब वो रिकॉर्डिंग अटेंड साजिद किया, भाई के वहाँ जब हो रहा था, करेक्ट. हाँ तो इंदौर में जो रिकॉर्डिंग्स अटेंड किए मामा के यहाँ, वो तो अपना ही स्टूडियो है, करेक्ट. और यहाँ पे जो स्टूडियो में था जुहू में, तो मतलब अच्छे हाँ प्रोजेक्ट्स और म्यूजिशियन, और उस टाइम के हिसाब से अच्छा है, हाँ वो हाँ लोकेशन बढ़िया है, राइट. तो उसमें कुछ फर्क लगा? उसमें ये फ़र्क था कि लाइक वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट या जो क्वालिटी भी होता था वो बहुत डिफरेंट क्वालिटी, लाइक कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो म्यूजिशियन भी होते थे, लाइक कुछ ढोलक है तो वो ढोलक का साउंड कुछ अलग ही था वहाँ पे, और यहाँ पे आके लाइक ऐसा लगता नहीं यार ये कुछ कुछ अलग है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ का इक्विपमेंट एंड ऑल वो सब थोड़ा डिफरेंट था, और यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था जो लाइक वेस्टर्न प्रोग्रामिंग होती थी, जो रिदम प्रोग्रामिंग होता था, जो मेलेडी प्रोग्रामिंग होता था, उसका साउंड्स भी अलग था, पूरा अलग था. वहाँ पे लाइव कीबोर्ड प्लेयर बैठ के कीबोर्ड आउट लेके हम लोग रिकॉर्ड करते थे की से, और यहाँ पे VST प्लगइन्स एंड ऑल वो सब था. शुरू हो गया था। हाँ तो वो बहुत डिफरेंट साउंड था दोनों का, और वहाँ पे फुल लाइव होता था, यहाँ पे फुल प्रोग्रामिंग था, यहाँ पे लाइव वो टाइम पे कम हो गया था क्योंकि प्रोग्रामिंग चल रहा था, और लाइव के शायद ही एक दो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने देखे होंगे जिसमें कुछ वॉयलेंस हुआ या कुछ, बाकी वो टाइम पे फुल प्रोग्रामिंग और वही था. फिर वहाँ से मैं कुछ 1-2 महीने यहाँ पर रहा, और 1-2 महीने के बाद वापस मैं इंदौर गया, मैंने अगेन मेरे मामा के एक पार्टनर थे स्टूडियो पार्टनर इकबाल मामा, वो भी मेरे कज़िन मामा है, मैंने उनको कहा कि दोनों मामा बैठे थे हम लोग, दोनों मामा और मैं बोला आपको बॉम्बे में स्टूडियो डालना चाहिए, बिकॉज जो मैंने वो 2 महीने में देखा कि जो बिजनेस हो या फिर जो वर्क क्वालिटी ऑफ वर्क हो वो बहुत डिफरेंट है यहाँ से, तो मामा ने बोला अरे बॉम्बे में स्टूडियो कैसे करेंगे अभी इंदौर में है, और मैंने नहीं फिर भी करना चाहिए, तो 5-6 दिन के बाद मामा को लगा कि चलो हम लोग बॉम्बे जाते हैं, उन्होंने टिकट बुक किया, सो मेरे जो कज़िन मामा इकबाल मामा वो और मैं हम दोनों बॉम्बे के लिए आए, फिर उनके कुछ रिलेशन थे यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स एंड ऑल, कलीम भाई करके के इंजीनियर थे बहुत सीनियर इंजीनियर, उनसे डिस्कस किया, तो उनका ऑलवेज होता था कि लाइक स्टूडियो करना है ठीक है चलो अच्छा, बनाते स्टूडियो बनाते, तो वही दिन से स्टार्ट किया, जगह देखा, जगह फाइनल किया, और हम जगह फाइनल करके हम लोग आ गए वापस, फिर स्टूडियो का एकोस्टिक्स एंड ऑल वो सब कुछ चलता रहा, कुछ शायद 6-7 महीना चला, फिर मई 2005 के अंदर वो स्टूडियो स्टार्ट हुआ, तब से वहीं पे मैं ही इंजीनियर था, बिकॉज कोई मैनेजर था, वो मैनेजर लाइक वो बोलता नहीं ये तो बच्चा है ये कैसे रिकॉर्ड करेगा, मैं बिजनेस लेके आऊँगा और रिकॉर्ड अगर कुछ ख़राब होगा तो कैसे होगा, सो मामा ने बोला कि लाइक कुछ भी अगर ख़राब होगा सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं उसको जो भी उसका एक्सपेंस होगा वो मैं उसको रिटर्न करूँगा, बट रिकॉर्ड तो यही करेगा, अरे वाह, वो मामा ने बहुत सपोर्ट किया कि लाइक नहीं रिकॉर्डिंग के लिए तो यही बैठेगा, नहीं तो फिर नहीं हमको नहीं करना है, अच्छा। और स्टूडियो का नाम क्या रखा? सिटी हार्ट, उसी का उसका भी नाम सिटी हार्ट ही रखा, इंदौर में भी सिटी हार्ट है और यहाँ पे भी सिटी हार्ट अच्छा, स्टूडियो, ओके। आदर्श नगर में ट्राइव स्टूडियो था उसके सामने ही स्टूडियो था ये, सो वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, तो कभी क्लाइंट आता था तो मैं तभी शायद 17-18 साल कुछ होगा मेरा एज, सो मुझे देख के क्लाइंट वापस बाहर जाता था, बोलता अरे ये क्या बच्चे को तुमने खेलने के लिए स्टूडियो में बिठाया है, बोले आपका लड़का ही है, मैनेजर को पूछते थे, वो नहीं नहीं ये इंजीनियर है,
बोले अरे आप क्या मजाक कर रहे, ये इंजीनियर रिकॉर्ड करेगा? बोले इतना हम लोग खर्चा कर रहे हैं, इतने म्यूजिशियंस है, इतना वॉयलिंस है, वो खराब होगा। तो फिर मैनेजर भी बोलने लगा कि आपका जो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको जो खर्चा होगा मैं हम लोग पे करेंगे, डोंट वरी, आप रिकॉर्ड करो। फिर जब क्लाइंट अंदर आके फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता था, तो वो हाफ एन आवर के अंदर वो ऐसा होता था कि लाइक नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे। अरे बिकॉज वो टाइम पे मैं बहुत स्पीड वर्क था, नियंड और शॉर्टकट्स और वो सब बना लिए थे तब तक, अच्छा तो कैसे कॉपी पेस्ट एंड ऑल वो सब होगा या एडिट। सो रिकॉर्ड होता था जब रिदम तो उतना कॉन्फिडेंस था। हाँ तो कॉन्फिडेंस था। और क्या होता था, जैसे लाइक इंट्रो रिकॉर्ड हुआ, 8 ढोलक 4 तबला ये सब लाइव बैठा हुआ है, पर इसका माइकिंग और सब वो सब माइकिंग करते करते, देन तभी अच्छा। एम्बियंस माइक भी पता नहीं था क्या होता है, बट सुनते सुनते ऐसा लगा कि ये जो मैं खड़ा खड़े रह के कुछ सुन रहा हूँ तो ये साउंड अच्छा लग रहा है, प्रेजेंस नहीं लेकिन ये कुछ अच्छा है। तो मैं एक माइक वहाँ पे भी लगाने लगा वैसे ही, कि एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, कि लाइक ये प्रेजेंस तो है लेकिन एक यहाँ पे भी रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसे होता है। जब वो पूरा सेक्शन वो रिकॉर्ड करके उस एक माइक के अंदर आया, तो वो कुछ अलग साउंड करने लगा जब उसके अंदर जेल करता था, तो वो भी पता नहीं था कि एम्बियंस माइक का ये होता है या इसको एम्बियंस या वैसे कुछ होता है। बट वो एक्सपेरिमेंट करते वो बैठ गया वो, तो वैसे स्टार्ट किया। फिर कभी ढोल का माइकिंग एंड ऑल वो सब होता, तो डिफरेंट डिफरेंट माइकिंग करके एक्सपेरिमेंट करके वो सब स्टार्ट किया। फिर ये जब रिकॉर्डिंग होती थी तो क्लाइंट को पहले तो वो अंदर आने से डरता था, लेकिन जब वो हाफ एन आवर उसको स्पीड देखता था या वो सब साउंड सुनता था, तो उसको लगता था नहीं ये इसको पता है कुछ, तो वो बोलता था कि फिर अभी आपको जो ठीक लगता है या क्या करना है, टेक लेना है, रीटेक करना है या कुछ, तो वो फिर एकदम वो हो जाता। फिर वहाँ से स्टार्ट किया बॉम्बे का जर्नी। फिर बॉम्बे में सारेगामापा, इंडियन आइडल, ये सब का रिकॉर्डिंग भी मेरे स्टूडियो था, जो उनके ट्रैक्स बनते थे। बिकॉज उन्होंने कैसे ढूंढा आप? मुकेश परमार करके एक वो है, तो उनको कभी स्टूडियो चाहिए था, वो ढूंढ रहे थे स्टूडियो, तो किसी ने सजेस्ट किया कि ये नया स्टूडियो है तो यहाँ पे आप ट्राई करो। तो एक बार कुछ एक ही वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, लेकिन उनको अच्छा लगा रिकॉर्ड करके और मज़ा आया, तो उन्होंने उनका पूरा प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पे शिफ्ट कर वेरी दिया। नाइस। सो तभी पूरे लाइव म्यूजिशियन जो सारेगामा में आज बजाते हैं, वो सब स्टूडियो आते थे, वो सब लाइव प्ले करते थे, कुछ प्रोडक्शन होता था वो सब स्टूडियो होता था, देन जो कंटेस्टेंट थे वो स्टूडियो आके उसका कोरस, डबिंग एंड ऑल वो सब रिकॉर्ड करते थे। सो ये काम चलता था मॉर्निंग 11 11 o'clock का उनका बुकिंग होता था, सुबह 11 से रात को 11, अगेन सुबह 9 बजे ख़त्म होता था उनका कंप्लीट वर्क। बिकॉज उनका फ्राइडे सैटरडे उनका रिहर्सल होता था और संडे शूट होता था, ऐसे कुछ था। और मंडे उनका लाइक मंडे को लिस्टिंग होता है, और थर्सडे फ्राइडे अगेन ये थर्सडे वेनसडे थर्सडे इनका प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग। तो इनके पास 2 ही दिन होता था जिसमें इन लोग को कुछ 12 या 15 गाने रिकॉर्ड करने होते थे, मिक्सिंग करनी होती थी, और वो वहाँ पे रिकॉर्ड होते थे। फिर तो सुबह 11 बजे शुरू किया और अगले दिन अगले सुबह दिन सुबह 9 बजे ख़त्म होता था। ऑलमोस्ट 24 आवर्स। यस और वो तो नॉन कोई स्टॉप, मतलब आपको ही मैं ही अकेला था, बिकॉज कोई असिस्टेंट या कोई मेरा कोई सीनियर कोई था नहीं वहाँ पे, मैं ही था, जो भी सीनियर जूनियर सब मैं ही था। सो स्टार्ट से रिकॉर्ड तो वैसे करना, थक के चूर नहीं हो जाए आदमी? एक्चुअली वो था ना कि सारेगामा का चल रहा है, देन वो टाइम पे भूमि, श्रीराम और बहुत सारे सिंगर्स जो आज सब स्टार्स है आज, तो वो सब लोग आते थे, यशिता, टिया, ये सब लोग, तो वो सब लोग आके, स्वरूप खान, ये सब लोग थे उसमें, तो वो लोग आके रिकॉर्ड करते। उनको भी ऐसा होता था कि लाइक सब स्टूडियो में सो रहे हैं सब लोग, और रात को 3 बजे चलो अब तुम्हारा नंबर आया, तो नींद में से उठ के वो लोग डबिंग करते थे कि चलो अभी ये कोरस पार्ट करना है या वो। और बाकी लाइव तो वहाँ पे वो लोग लाइव गाते थे, लेकिन जो बैकिंग वोकल्स थे या वो सब ये लोग रिकॉर्ड करना पड़ता था सब पहले, क्योंकि मुकेश जी थे वो बहुत शार्प, की लाइक जो एक्चुअल हार्मनी ओरिजिनल सॉन्ग में वही होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी बहुत म्यूज़िक का उनसे भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला, कि कैसे वो हारमोनीज या वो पकड़ते थे उसमें, बिकॉज इतना मिक्स है इतना सब ट्रैक्स है। जब प्रीतम के सॉन्ग्स बहुत चलते थे, प्रीतम के सॉन्ग्स का प्रोडक्शन वैसे ही बहुत ह्यूज होता है, तो उसमें से एक एक चीज़ वो माइनर माइनर चीज़ निकाल के सेम प्रोडक्शन करते थे और फिर सेम रिकॉर्ड करते थे। जब 9 बजे इनका पैकअप होता था, तो 11 बजे जो मैनेजर था वो दूसरा बुकिंग नेक्स्ट डे का लेके रखता था, अच्छा उसको ये पता नहीं होता था कितने बजे पैकअप होगा, राइट। उसे नेक्स्ट डे का बुकिंग लेके रखा 11 बजे। अब 9 बजे ख़त्म करके मैं सिर्फ जाके नहाता था, नहा के वापस
ग्यारह बजे तक वापस रेडी, क्योंकि दूसरा क्लाइंट है, दूसरा जो क्लाइंट है उसको तो कुछ पता नहीं कि तुमने पूरा रात काम किया है या कुछ, उसको तो आपको फ्रेश होना पड़ेगा और राइट उसको तो उसका 100% वर्क चाहिए, बिल्कुल तो अपना भी इनपुट जो होगा वो 100% देना होगा उसको। तो वापस 11 बजे से रात को वापस 11-12 बजे पैकअप होता था, तो ऑलमोस्ट लाइक 30-40-45 आवर्स नॉन स्टॉप काम करता था वो टाइम पे। बट वो टाइम पे मज़ा भी आता था, कुछ थकते नहीं थे। और रात को जब 11-12 बजे जब फ्री होता था तभी इंटरनेट पे कुछ नोट्स या कुछ डाउनलोड करके तभी स्टडी करता था कि ये कैसे होगा, फिर कुछ सॉन्ग लेके उसका एक्सपेरिमेंट करता था कि लाइक ऐसा इफेक्ट कैसे होगा, तो कुछ रैंडम कुछ वॉइस लेके उस पर वैसे प्रोसेस करना। तो वो सेम टाइम वो प्रैक्टिस भी चल रही थी, बिकॉज वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आगे और कैसे कुछ नया कुछ सॉन्ग रिलीज हुआ करेक्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स या कोई बाहर का कुछ, तो वो सुन के वो एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करते थे कि ये कैसे ऐसे साउंड होगा, या ये भी ढोलक तबला बज रहा उसमें भी ढोलक तबला बज रहा तो वो ऐसे साउंड क्यों कर रहा है। सो वो सब प्रैक्टिस करते करते थोड़ा EQ चेंज कुछ और एक्सपेरिमेंट करते करते वो सब स्टार्ट किया। ये सब चलता रहा कुछ 2010-11 तक। फिर कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा था मेरा, तभी मुझे एक कॉल आया एक बैंड मैनेजर का कि हैदराबाद में शो है, कॉन्सर्ट है, और मेरा नाम किसी ने सजेस्ट किया था कि लाइक ये बहुत अच्छा काम करता है और आप इसको शो के लिए आप लेके जा सकते हो। तो उसका मुझे फ़ोन आया, मेरे पास एक क्लाइंट बैठा था, सो मैंने उसको डिस्कस किया कि मेरे को शो के लिए फ़ोन आया है बट मैंने तो कभी शो किया नहीं है। बोलता नहीं अगर तुझे आया तो तू कर, और मुझे पता तू कर लेगा, और तू मुझे अभी नहीं, तू मुझे 5 साल या 10 साल के बाद तू मुझे बोलना क्या कि मैंने जो आज डिसीजन लिया वो करेक्ट है। नाम है उनका? उनका नाम है शैलेंद्र भारती, वो अच्छा बहुत अच्छे सिंगर है, वो क्लासिकल और बहुत लाइक बहुत म्यूजिकल फैमिली से, उनकी पूरी फैमिली म्यूजिकल, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला कि तू अभी आज जो मुझे तुझे बोल रहा हूँ वो तू बाद में मुझे याद करेगा, लेकिन तू जा यस कर दे। मैंने बोला कि यार मैंने कभी शो किया नहीं है तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर। बोलता तू जा तू कर लेगा, मैंने शो के लिए ओके कर दिया। और फिर हम लोग का फ्लाइट था, जब मैं पहुँचा मैनेजर के पास, मैनेजर वो ड्रमर ही था जो बैंड मैनेजर था, उसने जब मुझे देखा फर्स्ट टाइम तो बोलता है अच्छा आप कर लोगे ना, आपने शो किया है? मैं बोला देखो अभी मैंने शो नहीं किया है और अब तुम्हारे पास भी कोई चांस नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, करना ही पड़े। क्योंकि फ्लाइट है हम लोग की 2 घंटे में और हम लोग को एयरपोर्ट पहुंचना है, तब कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब कुछ रात को कुछ चार सुबह का 4-5 बज रहा था, हम लोग का कुछ 7-8 बजे का कुछ फ्लाइट था, तो मतलब अब चलते हैं और देखते। तो फिर उसको टेंशन था बहुत कि क्या होगा, बिकॉज ये श्रीराम और भूमि जो आइडल विनर थे इन लोग का कॉन्सर्ट था ये हैदराबाद में, अच्छा और वहाँ पे कुछ 15,000-20,000 क्राउड था वहाँ पे, बिकॉज गवर्नमेंट फेस्टिवल और वो वैसा कुछ फंक्शन था वो। तभी मैंने यामा का कंसोल देखा M7CL जो होता था, तभी कंसोल भी पता नहीं होता था कि डिजिटल, बिकॉज जो मैंने इंदौर में जो देखे थे मामा जब शोज पे जाते थे तभी एनालॉग कंसोल होता था, MH2 या GB4 वो सब कंसोल्स होते थे, ये पहला डिजिटल कंसोल देखा। बट उसको देख के पता चला कि ऑक्सेस मीन्स मॉनिटर्स, EQ मीन्स EQ इज सेम, कंप्रेशन इज सेम, बस फंक्शंस डिफरेंट होते थे। सो वो करते करते वो फर्स्ट शो बहुत अच्छा हो गया। कभी कुछ मैं रॉन्ग करता था वो इंजीनियर था वहाँ पर वो मुझे बोलता नहीं दिस इज़ रॉन्ग, और मैं उसको बोलता नहीं स्टूडियो तो मैं ऐसे करता हूँ, बोलता नहीं ये स्टूडियो इज़ डिफरेंट एंड लाइव इज़ डिफरेंट। सो वहाँ से वो माइंड सेट किया मैंने, डिवाइड किया माइंड को कि लाइक लाइव का जो फंडा है वो डिफरेंट है और स्टूडियो का डिफरेंट है। स्टूडियो के हम लोग EQ कंप्रेशन वो लाइव में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज तभी मॉनिटर्स होते थे, फीडबैक एंड ऑल वो सब होता था। तो लाइव का वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो शो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद से उन लोग के शो तो थे उस बैंड में, मैं फिक्स हो गया। देन फर्स्ट टूर साउथ अफ्रीका किया और वो वैसे जर्नी लाइव शो का स्टार्ट हो गया। पर हर शो में तो अलग अलग कंसोल्स मिलते हैं, तो जम गया वो? हाँ वो टाइम पे क्या होता था कि अभी तो बहुत डिटेलिंग में राइडर होता है, टेक्निकल राइडर, हाँ कि एक एक हम लोग कंसोल मॉनिटर्स मॉडल नंबर सब चीज़ हम लोग दे सकते कि हम लोग को ये मॉडल नंबर या ये स्पेसिफिकेशन रहती है वो हम लोग को चाहिए। बट वो टाइम पे क्या होता था कि राइडर ऐसे जाता था, एक ढोलक एक तबला एक ड्रम कीबोर्ड गिटार बेस गिटार, सिर्फ ये राइडर होता था कि लाइक ये म्यूजिशियन है, वो क्या इंस्ट्रूमेंट दे रहा है,
क्या पीए लगाएगा या क्या मिक्सर होगा कुछ पता नहीं होता था। वहाँ पहुँच के पता चलता था कि ये है या ये नहीं है, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेशन है वैसा कुछ होता नहीं था। मैनेजर्स को भी वो इतना कुछ आइडिया होता नहीं था तभी कि साउंड का कोऑर्डिनेशन होता है वो, और मुझे भी कुछ पता नहीं था तभी। और वहाँ जाके हर बार नया कंसोल होता था, सो नए कंसोल में मुझे 10 मिनट लगता था, बिकॉज सबका बेसिक सेम है, कंप्रेशन सेम है, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, ईक्यू सेम है, वो वैसे ही रिएक्ट करे, सिर्फ उसका कंट्रोल जो होता वो अलग अलग होता था। सो उसको समझना था, तो उसके लिए 10 मिनट इज लाइक जो उनका सिस्टम इंजीनियर होता था उसको पूछता था कि लाइक वे इज़ कंप्रेसर, वे इज़ ईक्यू, वे इज़ ऑक्सेज एंड ऑल, वो एक्सप्लेन करता। देन 5-10 मिनट देखने के बाद वो स्पीड आ जाता। एक साउथ अफ्रीका में मैंने शो किया, तभी साउंड क्राफ्ट का कंसोल था, VI-1 उन्होंने परचेस किया था नया, 2-3 महीना हुआ था। तो वो फर्स्ट शो था, वो भी इंडियन आइडल का ही शो था। वहाँ जाके कंसोल देखा, वो अगेन वो नया था, और वो लाइक बहुत सारी लाइट्स एंड ऑल की, ये बहुत थोड़ा वैसे कंसोल दिख रहा है। वहाँ के इंजीनियर को मैंने पूछा कि इसके फंक्शंस, तो वो भी बोला कि मेरे लिए भी नया है, मैंने स्टडी नहीं किया, अभी 1.5-2 महीना हुआ हम लोग को लिए हुए, सो मुझे थोड़े फंक्शंस पता है, मैं बता देता हूँ। मैं ठीक है, ये 2-3 चीज़ें जो ऑक्सेस एफएक्सेस ये वो सब बताओ। अगेन उसका भी फंडा सेम था कि ईक्यू कंप्रेशन वही रिएक्ट करेगा, और बॉडी में जो स्पीड थी वो नियंडो के टाइम से स्पीड थी। सो जब मैं काम करने लगा तो मुझे बोलता है कि लाइक तुम मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, तुमको तो ये कंसोल पता है। बोला मैं अभी सीखा हूँ ये। तो बोलते नहीं, बट इतने स्पीड में कैसे काम करते हो तुम। मैं बाकी सब चीज़ें तो सेम है, वो फंक्शन जब पता हो गया कि कहाँ पे, तो बॉडी के अंदर स्पीड है तो वो वैसे स्पीड होने लगी। सो वो लाइव शोज वहाँ से स्टार्ट हुए। देन इंडियन आइडल के बाद फिर पार्थिव गोहिल है, उनके शोज स्टार्ट किए। उसके बाद वो करते करते उसमें कुछ म्यूजिशंस कुछ प्ले करने के लिए आते थे तो उनको अच्छा लगता था, तो वो कोई और बैंड में, जैसे बापीदा कभी आए बैंड के अंदर, तो बापीदा ने कविता जी को सजेस्ट किया कि नहीं ये एक लड़का नया ही अच्छा काम करता है, देन कविता जी का शोज करने लगा। कविता जी के बैंड में कोई आया तो वो कोई और बैंड में, तो वो उधर, तो वैसे करते करते ये लाइक लाइव शो का भी एक जर्नी स्टार्ट हुआ कि आशा जी के शोज स्टार्ट किए, बिकॉज कुछ म्यूजिशन किसी बैंड जावेद अली के स्टार्ट किए, जावेद भाई के शोज किए, वो जो बैंड था वही सेम बैंड आशा जी में भी प्ले करता था। तो विजय दयाल जो विजय जी है, सो विजय सर का कुछ स्टूडियो में कुछ बिजी थे, उनका डेट मिल नहीं रहा था, तो म्यूजिशंस ने भी मुझे सजेस्ट किया आशा जी को कि लाइक ये अच्छा करेगा, और विजय जी ने भी सजेस्ट किया, बिकॉज विजय जी से भी थोड़ा मिलना जुलना और बातचीत होती थी, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया नाम कि लाइक तू कर शो। और मैं उनसे फिर मिलने के लिए गया कि कैसे करना चाहिए, या तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइक तू ऐसे ऐसे कर, और वहाँ से फिर आशा जी का शो स्टार्ट किया। सो वो मेरे लिए वो एक बड़ा नाम था कि आशा जी जिनके गाने सुनते या रिकॉर्ड करते हुए आए, उनके साथ आज स्टेज पे या उनके साथ आज उनका शो मैं कर रहा हूँ, और वो फर्स्ट शो उनका दुबई में था। सो तब से आशा जी के साथ भी फिक्स। सो आशा जी के भी कुछ 3-4 साल मैंने शोज़ किए, फिर आशा जी के करते हुए मैंने रूप कुमार राठौर जी के उनके शोज़ किए, फिर सोफी चौधरी, देन कविता जी के चल रहे थे, फिर मोहम्मद इरफान, दिव्य कुमार, अंकित तिवारी, देन अदनान जी, अदनान सामी, और कुछ राहत साहब के भी शोज़ किए मैंने, और अभी विशाल शेखर के शोज़ कर रहा हूँ, सोनू निगम के शोज़ कर रहा हूँ। सो सोनू जी और इनसे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और लाइक एक शो के लिए वैसे ही हुआ था कि उनका भी एक शो करने के लिए मैं गया था, और उनको अच्छा लगा फर्स्ट शो में। सो आज उनके साथ इतने साल से, 2 साल हो गया मुझे, सोनू जी के साथ भी मैं शोज़ कर रहा हूँ, विशाल शेखर के भी शोज़ कर रहा हूँ, तो ये सब लाइव शोज़ का चल रहा है। देन कट टू, हम लोग वापस स्टूडियो में आते, 2011 के अंदर स्टूडियो का जो एरिया था वो फुल इलीगल था, तो वो एरिया पूरा BMC ने तोड़ दिया। आपको पता नहीं था? ये हमको पता नहीं था, बिकॉज वो जगह रेंट का था, और मैं एक शो के लिए चेन्नई गया था, जब मैं वापस रिटर्न आया तो उस पर तब तक के BMC ने उसको तोड़ दिया था, सामान अंदर ही है? सामान अंदर है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो था, तो उसके अच्छा स्टेयर केस और वो सब उन्होंने तोड़ दिया था तब तक, और वो टाइम पे मैं स्टूडियो में ही रहता था। सो बिकॉज फैमिली मेरा पूरा इंदौर में देवास में है, और मैं अकेला यहाँ रहता था, सो स्टूडियो बहुत बड़ा था तो मैं वहीं रहता था। सो मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ये सब
टूट गया है. अभी आप स्माइल कर रहे हो, बट उस टाइम पे तो वो टाइम तो लगा कि अभी वहां से लाइक ऐसा लगा कि अब ये सब जीरो हो गया है. अच्छा, मैंने घर पे भी कुछ बताया नहीं मॉम डैड को कि ऐसा या कुछ ऐसे कुछ हुआ है. बट मैंने पहले सब पूरा सामान निकाला वहां से, उसको सेफ किया. एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया, उसके घर पे पूरा सब इक्विपमेंट मैंने रखा. देन फिर यू नो दीपेश भाई, दीपेश शर्मा. बिल्कुल हाँ, जब वो स्टूडियो टूटा तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं. तो दीपेश भाई से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी मेरी, वो बॉबी जी की वजह से, जो बॉबी जी जो रिदम प्रोग्रामर है. मैं उनके घर पे रहा फिर, दीपेश भाई के घर पे. उन्होंने बोला कि तुम जब तक तुम्हारा जगह का नहीं होता तुम मेरे यहाँ पे रहो आराम से. तो मैं उनके घर पे रहा उनके साथ. फिर जगह देखते, कुछ जगह मिला. फिर शशि सुमन करके एक कंपोज़र है और इंडियन आइडल सारेगामा के कंटेस्टेंट भी है वो. हम दोनों का ट्यूनिंग बिकॉज सारेगामा के टाइम पे आते थे तो वो वैसे था, तो हम दोनों साथ में शिफ्ट हुए फिर एक घर पे. फिर वैसे म्यूज़िक स्टार्ट किया मैंने. जो स्टूडियो का सेटअप था वो मैंने परचेज़ किया अगेन. तो ये सब गया। ये जो सेटअप था ये किसी और को मामा ने सेल कर दिया था स्टूडियो अच्छा लास्ट लास्ट ईयर 2010 में. बट मैं वहीं पे फिक्स था. फिर मैंने वो इक्विपमेंट वापस परचेज़ किया नेक्स्ट जो ओनर था उससे. फिर मैंने घर पे मेरे एक बेडरूम में उसको सेटअप किया. और जब स्टूडियो में था तभी मिक्सिंग का मैंने स्टार्ट किया था. फिर जब रिकॉर्ड करता था मैं तो मिक्स भी मैं ही करता था, वो मिक्स अच्छा होता था. क्लाइंट के रिव्यूज़ आने लगे कि नहीं यार यहाँ का जो ये एल्बम साउंड करता बहुत अच्छा साउंड करता. और तभी भोजपुरी मराठी या वैसे ही सब सॉन्ग्स होते थे. मुझे एक दिन वैसे ही लगा कि यार मिक्सिंग का कुछ अलग चार्ज करना चाहिए. तब मुझे भी पता नहीं था कि कोई अलग ऐसे चार्ज होता है मिक्सिंग का या नहीं. मैंने वैसे ही रैंडमली एक दिन सोचा कि ऐसे ही चार्ज करता हूँ. तो मैं कुछ चार्ज करने लगा उनको. उनके लिए कुछ ज़्यादा था, लेकिन मैं उनको बोलता था अगर आपको मिक्स नहीं कराना तो आप ये रिकॉर्ड हो गया है बैकअप लेके आप कहीं और मिक्स करा लो. तो वो उनको डर लगता था कि यार ये रिकॉर्ड अच्छा हुआ है और मिक्स भी अच्छा होता है लेकिन कहीं और लेके जाएं पता नहीं क्या होगा. तो वो फिर मिक्स के लिए देते थे. तो मिक्सिंग का भी मैंने स्टार्ट आई थिंक 2008 से मैंने स्टार्ट कर दिया सेपरेट चार्ज करना. एक वो भी एक सेम टाइम पे मिक्सिंग का मेरा चल रहा था. और जब 2011 में टूटा फिर लाइव शो स्टार्ट हो गए थे तब तक मेरे, और मिक्सिंग फिर मैं घर से करता था. फिर मिक्सिंग चलता रहा 1-2 साल रीजनल. देन सडनली मैंने एक दिन सोचा कि नहीं यार मुझे ये जो कर रहा हूँ ये नहीं करना है, मुझे बॉलीवुड करना है. जो काम आता था मैंने एक दिन सोचा कि नहीं अब इनको मैं पैसा 5 गुना बोलूँगा कि ये लोग अच्छा मेरे पास आए आई ना, नहीं या तो दे या तो नहीं आए. और जब मैंने उनको चार्ज बोलना स्टार्ट किया, वैसे ही जो मैं चार्ज करता उनके लिए बहुत हेवी होता था, तो वो लोग नहीं आने लगे. और वो दिन से काम जीरो हो गया. लाइक कि अभी कुछ काम नहीं है. शोज चलते हैं लेकिन शोज इतना फ्रिक्वेंसी नहीं था शोज का, और शोज की पेमेंट भी तभी बहुत कम होती थी. फिर कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स आए मेरे पास कुछ फ्रेंड सर्कल के थ्रू या वैसे, वो मैंने चार्ज करना किया उनको लाइक 25,000 कुछ. मैंने वैसे ही बोला उनको रेंडमली कि आई चार्ज 25,000 फॉर वन सॉन्ग. ही सेड ओके. वहाँ से वो मिक्सिंग का बॉलीवुड का स्टार्ट हुआ. वो प्रोजेक्ट किया, वो रिलीज़ हुआ, फिर उससे कुछ और प्रोजेक्ट आया. तो वैसे करते 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 वो एक नाम और वो एक काम भी आते गया, तो वो मिक्सिंग का भी बढ़ते गया. देन फिर मेरी कॉम फिल्म आई, तो उसके जो प्रोड्यूसर है वो फ्रेंड है, और उसका म्यूज़िक शशि ने ही किया था. तो शशि हम लोग साथ में स्टे करते थे. उसका पूरा म्यूज़िक रिकॉर्डिंग मिक्सिंग सब मैंने किया. देन फिर सरबजीत, देन रिसेंटली मोदी आई है. सॉन्ग्स में कभी जो बादल बसे जो शारिब तोशी के सॉन्ग्स है, बिकॉज मेरी कॉम के सॉन्ग्स भी आदित्य ने प्रोग्राम किए थे. यू नो आदित्य देव, वो तो सुपरस्टार है अभी. उनका भी जर्नी लाइक वो टाइम पे हम लोग का साथ में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था. बस सारेगामा के ट्रैक्स भी वो बनाते थे तभी, कुछ कुछ ट्रैक्स. और कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे तो वो उसके प्रोजेक्ट्स मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, या मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे तो मैं उनको प्रोग्रामिंग के लिए देता था. फिर वैसे करते करते मिक्सिंग का सब सॉन्ग्स आते गए, कुछ गाना हिट हुआ तो वो काम आते रहा और बस चलते रहा. और अभी इतनी सब फिल्में, फिर मराठी भी बहुत सारी फिल्में की है. मराठी के कुछ अवार्ड नॉमिनेशन में भी थे कुछ सॉन्ग्स. और अभी लाइव शो एंड मिक्सिंग ये सेम टाइम पे चल रहा है. लाइफ
लाइक बिजी बिजी. वेरी नाइस. इनफैक्ट काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जो आपने बड़े स्माइलिंग उसमें निकाल दिया. तो अगले पार्ट में थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल बट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे व्यूअर्स के लिए, कि वो भी समझें कि किस स्ट्रगल में किस टाइप का रिएक्शन करना चाहिए, कैसे अपने अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, करेक्ट. तो ही आगे बढ़ा जा सकता है. तो ये अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं. यस श्योर. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी. थैंक यू. एंड थैंक तौसीफ यू. भाई, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट. यस श्योर. थैंक यू.